एक बच्चा जब जन्म लेता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है उसकी शिक्षा पद्धति। शिक्षा एक इंसान की जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बच्चे का सबसे पहला गुरु उसके माता पिता होते हैं, उसके बाद उसके दूसरे गुरु उसके स्कूल में उससे मिलते हैं। ये गुरु मिलकर उसे बहुत सारी चीजों की शिक्षा प्रदान करते हैं। आज एक ऐसे गुरु ही हमारे साथ है। आइए मिलते हैं और जानते हैं एक गुरु किस प्रकार से संघर्ष के साथ एक बच्चे को सिखाता है, पढ़ाता है, समझाता है और उसे इस काबिल बनाता है कि जिंदगी के अनेकों संघर्ष को वो पार करके एक अलग ऊंचाई को छू जाए। चलिए मिलते हैं और जानते हैं क्या कुछ है ये शिक्षण पद्धति। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ श्याम अग्रवाल जी हैं। ये शारदा विद्यालय गुढ़ियारी के हेडमास्टर प्रिंसिपल है। सबसे पहले नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए। सर क्या कुछ है आपकी स्टार्टिंग जर्नी, क्या कुछ रही आपकी लाइफ की? जनरली तो हम यही छत्तीसगढ़ के हैं। और दूसरा चीज, मेरी जो एजुकेशन है पूरी छत्तीसगढ़ से हुई है। मैं अपना हायर क्लासेस तक की एजुकेशन जो है वो यही देवेंद्र नगर आदर्श विद्यालय इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने किया। आगे की जो पढ़ाई मैंने दुर्गा कॉलेज से किया हुआ है और दुर्गा कॉलेज में मैंने एमकॉम तक की पढ़ाई की, उसके आगे फिर मैंने बीएड किया। मेरी तो वैसी मानसिकता शुरू से रही है कि मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में जाऊं, क्योंकि सबसे पहले टीचिंग प्रोफेशन में एक चीज मुझे बचपन से ही भाता था कि रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट इस प्रोफेशन में इतना है कि जो आप बाकी प्रोफेशन में नहीं पाएंगे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता एक्चुअली मैं आपको प्रेरणा किससे मिली थी कि मुझे एक टीचर की जॉब करनी है? एक्चुअल में मैं जब 8th क्लास में था, जब तब 8th क्लास में मेरे पास में बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि काश मैं भी इनकी तरह बन सकूं, इनकी तरह देख सकूं। क्योंकि उस सेशन में जब 8th क्लास में जितने भी मेरे टीचर्स थे वो सब ही कोऑपरेटिव टीचर थे। सब स्टूडेंट्स को समझते थे, बड़ी भली बात ही समझते थे पहली बात तो, और हर एक प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से फेस करने की, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं बच्चों की लाइफ में, और अगर एक तो टीनेज जो रहता है उसमें ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो कि माँ बाप के बाद एक टीचर ही बहुत अच्छे से समझ सकता। सर अच्छा, आपके सपनों की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपके प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन में, टीचिंग फील्ड में आने का कब से आपने शुरुआत किया? मैं 2002 से, उस समय मैं बीकॉम सेकंड ईयर में था। बीकॉम सेकंड ईयर मेरी पढ़ाई चल रही थी तो अचानक मुझे एक मेरे प्रीवियस टीचर, जो कि मैंने वहाँ पर अपना ट्यूशंस लेता था, तो उन्होंने स्कूल ओपन किया हुआ था, इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया था। और जैसे कि वो जानते थे कि ये जो स्टूडेंट था मेरा, ये जो लड़का है, ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है, तो जब ये पढ़ाई में अच्छा रहा तो वो अपना एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट करने में भी अच्छा साबित होगा। उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म, यही सोचकर, यही मानसिकता से मुझे एक टीचिंग प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड। क्या बात है सर। फिर इसमें मतलब ग्रोथ कैसे हुआ, आपने क्या कुछ किया इसके लिए? इसके बाद मैंने जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ये मौका दिया तो मैंने पहले क्वेश्चन ये किया, मैम थी वो, उन्होंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, मैम आप मुझे टीचिंग प्रोफेशन में तो ला रहे हो लेकिन मेरी सैलरी कितनी होगी? क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है, क्योंकि उसमें उत्सुकता रहती है, क्योंकि मेरे लिए बहुत उत्सुकता था कि फर्स्ट टाइम मैं जॉब करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट से अब मैं प्रोफेशन लेवल में जाने वाला था। तो मुझे बड़ा उत्सुकता था कि मैं, अरे अब मुझे भी मतलब सैलरी मिलेगी, मैं भी घर में बता सकूंगा मैं कमाने लग गया हूँ ऐसा करके। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट मोमेंट था। उसके बाद मैम बोली कि देखो अभी तो न्यू प्रोफेशन है, न्यू स्कूल है, सैलरी का तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो मेरे को उस समय मात्र 400 rupees मंथली सैलरी पर अपॉइंट किया गया। अच्छा, 400 से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, अभी आप एक स्कूल चला रहे हैं। एक स्कूल चलाना दोस्तों अपने आप में कोई मजाक नहीं होता, हजारों बच्चों की जिंदगी आपके खुद के हाथ में होती है। सर आज स्कूल के लिए मतलब एक स्कूल चलाना, इतने सारे बच्चों की जिंदगी आपके हाथों में रखकर आप उसको भली भांति संभाल रहे, सवार रहे, बना रहे, तो इसमें क्या कुछ चैलेंजेस आपको आते हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारी आती है, बहुत सारे। सबसे पहला फेस होता है पेरेंट्स डीलिंग, सबसे मेन होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो होता है वो अपने बच्चों को हमारे सपोर्ट करके जाता है। वो जो 6 और जो 8 घंटे रहते हैं पेरेंट्स निश्चिंत नहीं रहता, पेरेंट्स का बच्चा हमारे पास रहेगा लेकिन जो पेरेंट्स का जो दिमाग है वो कैलकुलेट करते रहता है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, उसका कहीं टीचर के साथ कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसके साथ नहीं हो रही, हमारा बच्चा रो तो नहीं रहा है, हमारा बच्चे को भूख तो नहीं लग रही है, पेरेंट्स कभी भी निश्चिंत नहीं होता स्कूल में छोड़ देने के बाद। उसी तरह एक टीचर भी वो 8 घंटे 6 घंटे एज अ पेरेंट उस बच्चे को पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सर काफी बार हमने देखा हुआ है कि पेरेंट्स जल्दी टीचर्स पे भरोसा नहीं कर पाते, मतलब जैसे ही टीचर अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताएगा, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपका बच्चा ये काम नहीं करके आता, आपका बच्चा ये नहीं करके आता होगा, इवन आपके पेरेंट्स भी जाके आपकी शिकायत करते होंगे स्कूलों में, तो इन चीजों को कैसे डील करें कि मतलब पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे समझा सकते हैं कि क्या होता है यहाँ पे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बहुत अच्छा बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ टीचर्स और पेरेंट्स की जो डीलिंग होती है वो सबसे पहले तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए। जो डीलिंग होती है, पेरेंट्स अगर बोलता है कि आप पढ़ा नहीं रहे, टीचर भी उतनी मेहनत करता है जितना पेरेंट्स अपने बच्चे को छोटे से बड़े करने करता है। कुछ 6 घंटा टीचर समय देता है ना, वो समय टीचर के लिए एक बोलना चाहिए कर्म युद्ध के बराबर है। वो सही बात, वो कर्म युद्ध करता है वो टीचर वहां। कभी भी टीचर, कोई भी शिक्षक जो है, कभी भी गलत शिक्षा नहीं देगा, एक चीज। दूसरी चीज, वो जो शिक्षा जो भी दे रहा है, और आप पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि आप पढ़ाते क्या है, हर बच्चे की मानसिकता अलग होती है, हर बच्चे का कैपेबिलिटी अलग होता है, मेंटलिटी पावर अलग रहता है, तो ये सारी चीजों को देखकर पेरेंट्स को भी अंडरस्टूड होना चाहिए जैसे टीचर बच्चे को एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सर एक बहुत बड़ा सवाल मेरे पास आया हुआ है, एक्चुअली मेरे कुछ दर्शकों ने मुझसे पूछा हुआ है, ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों की मानसिकता जो है काफी ज्यादा कुछ अजीबोगरीब होती जा रही है, बच्चे खुद में घुट रहे हैं, कुछ लोग अपनी परेशानियों से घुट रहे हैं, ऐसे समय पे आप बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बिकॉज पेरेंट्स का मेरे पास ये है कि मेरा बच्चा दिन रात मोबाइल में घुस चुका है, मेरा बच्चा दिन रात कंप्यूटर में गेम खेल रहा है, तो इस समय पे बच्चों को क्या करना चाहिए, इस समय को बिताने के लिए बोल सकते हैं या इस समय को यूज करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बहुत बहुत अच्छा सवाल ये आया है, और ये मैं सामने रखने भी वाला था इस प्रश्न को, और तो इसका उत्तर भी देने वाला था। ये हुआ क्या है, अभी जो लॉकडाउन का समय है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी पर पड़ा। इनकी साइकोलॉजी जो है वो एकदम चेंज हो चुकी है। आज के समय में सोशल मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर्स, ये सब का समय है। आज बच्चे को मोबाइल तो पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को वो अवॉइड कर रहे हैं। राइट, तो क्यों ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अवॉइड किया जा रहा है जब आप मोबाइल प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो जब बच्चा गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है या अदर्स गेम्स खेल रहा है, अदर यूट्यूब्स देख रहा है, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड यूट्यूब्स को क्यों नहीं प्रोवाइड करने दे रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को? सर एक जो अगला मेरा सवाल होगा, आज के समय पे सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की मानसिकता को बनाने के लिए? बिकॉज आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया कहीं ना कहीं लाभप्रद भी है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ हानि भी दे जा रहा है, तो आपके नजरिए से सोशल मीडिया का क्या है इसमें इंपॉर्टेंस? देखिए, सोशल मीडिया एक एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में लाया गया है, लेकिन इसका बहुत सारे डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स देखते हैं। आप अभी आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। आप एक समय में देखे होंगे टिकटॉक के लोग इतने पागल दीवाने थे कि वो ये नहीं सोचते थे कि हम कहां पर शूट कर रहे हैं, है ना, वो आगे कौन आ रहा है, पीछे कौन आ रहा है, कुछ नहीं, एनीथिंग दे विल शूट। बट अब ये देखिए, ये सोशल मीडिया का ये डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया, लेकिन एडवांटेज ये है कि गूगल्स क्यों दिए गए हैं, ताकि बच्चा उससे सर्च करके आंसर्स ढूंढ सके। वहां पर बहुत सारी यूट्यूब्स एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस क्यों डाउनलोड किए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा आंसरिंग प्रोवाइड किया जा सके। जब इस लॉकडाउन के समय में ये सोशल मीडिया का यूज अभी करना है अपने को, और इसी तरीके से इस सोशल मीडिया का बेटर यूज किया जा सकता है। दोस्तों अगला जो सवाल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल है ये, मैं बोलूंगा सर, आज के समय पे मैंने देखा हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बन गया है, हर गली हर दूसरे मोहल्ले में एक नए स्कूल खुल रहे हैं, कुछ पब्लिक स्कूल तो कहीं कुछ पब्लिक स्कूल, सिर्फ पब्लिक एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन चल रहा है सबों में, और सब में स्कूल खोला जा रहा है। आपके नजरिए से क्या है ये एक सही चीजों पे जा रहे हैं हम, या फिर गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट तो वैसे इस पर बहुत सारे एक्शन लेती है, बट अभी क्या है, आज का समय ऐसा हो गया है
कि अगर कोई एक ग्रेजुएट बच्चा या पीजी बच्चा जो है अगर एजुकेशन उसके पास में है और वो एक उसके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं है तो वो क्या सोचता है, या तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूं। तो आजकल इस एजुकेशन सिस्टम को बिजनेस से जोड़ दिया गया है, ये चीज आपका कहना बिल्कुल सही है और इस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रही है। बहुत सारे स्कूल्स को बंद किया गया, 2 साल पहले एक लिस्टिंग निकली गई थी जिसमें रायपुर जिले से ही 27 स्कूलों को बंद किया गया था। क्या बात है, क्योंकि उनमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किए थे, वो सिर्फ कागजों में चल रही थी वो स्कूल्स, नो फैसिलिटीज, नो एजुकेशन, नो स्टूडेंट्स। सो इस कारण से सरकार के द्वारा बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था। सो वर्क हो रहा है, जैसे भी गली कूचे में जो छोटे छोटे तर्ज पर स्कूल्स हैं जहां पर फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, सरकार उस पर काम कर रही है और वैसे स्कूल्स बंद होंगे आगे। अच्छा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने हमें बताई। एक इसी सवाल से जुड़ा मेरा सवाल है, काफी सारे प्राइवेट स्कूलों में मैं पर्सनली विजिट किया, मैंने पर्सनली देखा हुआ है जो छोटे गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, वहां पे कई सारे स्कूलों में तो 12वीं पास बच्चे टीचर बन बैठे हैं। तो क्या एक 12वीं पास बच्चा एक बच्चे की भविष्य बना सकता है या उसे उस हिसाब की एजुकेशन दे सकता है जो उसे एक्चुअली मिलनी चाहिए? यही एक कारण है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशन सिस्टम है धीरे धीरे पिछड़ते जा रहा है। जो स्कूल्स, यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काबिलियत की कमी है, यहाँ पर बहुत सारे काबिल टीचर्स हैं और लेकिन कुछ लोगों के कारण ये टीचिंग प्रोफेशन यहाँ पर अंकुश लगा देता है, यहाँ पर एक विराम लगा देता है। तो ऐसे ही स्कूलों को बंद करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसे ही चीज के लिए गवर्नमेंट अभी बहुत सारे चीजों को लेकर आ रही है। अभी आप देखेंगे हमारे मोदी जी ने बहुत सारे इनोवेटिव टीचिंग प्लान्स रखे हुए हैं, NEP करके जो आया है 2020 करके, ये जो NEP 2020 है इसमें इतने सारे इनोवेटिव चीज आएंगे कि जिसमें काम करते करते कि जो धंधे के हिसाब से, जो बिजनेस के हिसाब से जो स्कूल्स खोले ना, ये ऑलरेडी नमस्कार करके चले जाएंगे क्योंकि उसमें इतने सारे इनोवेटिव चीजें जिनको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। सही बात है, आपका कहना भगवान करे सच हो कि ऐसे स्कूल जो बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जल्द से जल्द उन पे बैन लगना चाहिए, उन्हें बंद करना चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट ने 2020 में एजुकेशन प्लान को चेंज किया, काफी कुछ उसमें नई चीजें ला रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि सरकार थोड़ी सी लेट है टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द भारत में लाने में। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है सर कि 2020 में अगर वो टेक्नोलॉजी को ला रही है तो वो कुछ पीछे है या उसने सही वक्त पे सही निर्णय लिया? नहीं, एक्चुअल में क्या था, ये हमारा जो भारत है उसमें आधुनिकीकरण की कमी थी, उस कमी को मोदी जी स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहे हैं। तो जैसे अब उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, बच्चों को इनोवेटिव चीज मीन्स रट्टा मार कर पास नहीं होना है, अब बच्चों को मानसिकता के अनुसार उनकी क्षमता स्किल्स से उनकी स्किल्स अब उभर कर आएगी, प्रोजेक्ट वर्क, उनको नॉलेज कितना है, जैसे कि आप देखते होंगे कि MCQ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है MCQ क्वेश्चंस, इससे आपकी नॉलेज के बारे में पता चलेगा। पहला चीज तो साइकोलॉजिक इफेक्ट रहता है वहां पर, कैलकुलेशन आप कितने समय पर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले कर चुका है लेकिन इसको उभार कर जो लाया जाएगा, पहले तो कम संख्या में था, अब तो पूरे 100% एजुकेशन सिस्टम में ये चीज को लागू किया जा रहा है कि हर एक स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट होने वाला है। देखिए अभी जो NEP आ रहा है ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइजेशन है। पहले एक बाध्यता रहती थी कि 10th के बाद बच्चा 11th-12th में सब्जेक्ट चॉइस करेगा, सब्जेक्ट चॉइस का ऑप्शन अब निल होने वाला है, खत्म होने वाला है। यहाँ पर 9th क्लास से बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर वो मैथ्स के साथ में अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहेगा, अगर वो संस्कृत पढ़ना चाहेगा, तो वो भी प्रोवाइड कर रहा है इस एजुकेशन सिस्टम में। कोई एक मैथ्स का बच्चा सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ सकता, मैथ्स वाला बच्चा अगर चाहे बायो पढ़ना चाहे या कॉमर्स भी उसके साथ लेना चाहे तो वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर, मतलब ये पूरा टोटली स्किल डेवलपमेंट है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर एक क्वेश्चन आ रहा था बार बार, आज के समय पे मैंने देखा हुआ है कि बच्चे काफी ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं, कई बार स्कूलों में जो शिक्षक उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहा है वो उससे भिड़ जाते हैं। पहले के समय में गुरु 2 झापड़ मार देता था तो जो छात्र रहता था वो सिर झुकाकर खड़ा हो जाता था, गुरु ने मुझे वो एक तरह से क्या किया, पनिशमेंट दिया हुआ, वो मेरे लिए पनिश है, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। आज 2 झापड़ मारोगे तो
उसके बदले में आपके नाम से रिपोर्ट हो जाएगा, पुलिस में जाकर खड़े हो जाएंगे रिपोर्ट लिखाने। सर बट कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा हुआ है न्यूज में, ऐसे बहुत सारे न्यूज आते हैं हमारे पास कि जहाँ पे शिक्षक खुद बहुत ज्यादा क्रूर हो जाते हैं, मतलब बच्चों से कहीं झाड़ू लगवा रहे हैं तो कहीं उनको इतना मारा दिया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं। बिकॉज न्यूज, आई डोंट नो कि वो न्यूज सच होती है या झूठ कहती है, लेकिन ऐसे हमने बहुत सारे न्यूज देखे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? एक्चुअल में क्या है, कुछ पिछड़े वर्ग के जो सरकारी स्कूल, पिछड़े एरिया के जो सरकारी स्कूल्स रहते हैं वहां के, मैं आपने ये देखा होगा कि झाड़ू वाला जो आपने अभी मेरे से जो चर्चा किया, ये सारे व्यूज आपको दिखे, परंतु आप देखेंगे कोई भी प्राइवेट स्कूल में इस तरीके का माहौल नहीं पाएंगे। रहा बात कि अगर एक टीचर ने किसी स्टूडेंट को मार दिया जिसके वजह में उसको बहुत हानि हो गया, तो ये एक मैटर भी सफर करता, लेकिन ये साइड किसका है? स्टूडेंट का साइड है। पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का देखना चाहिए, वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू के बाद ही कोई कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। सर एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस इंटरव्यू का, आपके नजरिए से बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है प्राइवेट जॉब करूं या गवर्नमेंट जॉब करूं। जैसे ही वो बड़ा होता है बच्चे के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो 70% से ज्यादा माता पिता की ये ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब करे, बट गवर्नमेंट में इतनी जॉब तो है नहीं। तो आपके हिसाब से बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे ही फोकस करना चाहिए या प्राइवेट पे भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स तो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन, कोई सप्लीमेंट्री स्टूडेंट आफ्टर पास, राइट, ऐसा भी होते हैं, राइट। तो अब एक ये जरूरी नहीं है कि एक मेरिटियस स्टूडेंट ही गवर्नमेंट जॉब में जाता है, हर लेवल के वर्ग के बच्चे जा सकते हैं वहां पर, लेकिन उसके लिए एक मोटिव होना चाहिए पहले, उनको प्लानिंग करना होगा पहले, right. कि हम इस प्लान से कि हम ये एजुकेशन, मान लो 12th में या 10th में जब सब्जेक्ट चेंजेस वाला जो मूवमेंट आता था जब 10th के बाद में, तभी से डिसाइड हो जाता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। कोई बच्चा भाई क्या सोच कर लेता है, मैथ्स क्या सोच कर लेता है वहां पर लेता है, लेकिन जब वो कॉलेज में जाता है तो बीकॉम में चला जाता है या बीए में चला जाता है। ये बहुत सारे मेरे साथ देखने को मिला है। तो ये प्लानिंग और मोटिव से जो चलता है ना, वो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं है, आज तो पूरा प्राइवेटाइजेशन है अगर देखा जाए तो, right. गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आज एक अगर 1 लाख की आबादी है तो 1 लाख में अगर 50,000 को एम्प्लॉयमेंट देना है तो बाकी 50,000 तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ना, राइट। तो इस रेशियो से तो जो 50,000 बच्चे वो प्राइवेट में जाएंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी गवर्नमेंट के पीछे जाए, प्राइवेट में भी बहुत स्कोप्स है, प्राइवेट में भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं अच्छी फील्ड्स में जाने के। तो दोस्तों आज बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा किया सर के साथ, और काफी कुछ आप लोगों ने भी सीखा और जाना होगा। आज का एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है, आपके गुरु, आपके शिक्षक, आपके टीचर आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है, बशर्ते आपको लेना होगा अपने जिंदगी का पहला कदम, उनके साथ उन पर भरोसा करके, उन पे ट्रस्ट करके, उन पे विश्वास करके। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आज से आप इन चीजों का पालन भी करेंगे। हर चीजों के लिए, हर सपोर्ट के लिए मैं आपके साथ हूं। सर जो मैंने एक मुहिम छेड़ी है मन की बात सुकांत मिश्रा के साथ, बच्चों का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बच्चों से डिस्कस करता हूँ, इस पे आपकी क्या राय है? मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमारे समय में नहीं रहा। जब हम पढ़ते थे तो ये सोशल मीडिया वगैरह, यहाँ तक हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं थे उस समय, तो ये जो प्लेटफॉर्म आज के यूथ को मिल रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला चीज है। सबसे मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म को, मन की बात सुकांत मिश्रा के साथ जो हो रही है यहाँ पर, आज मैंने खुलकर अपने दिल की बात यहाँ पर रखी है, और हो सकता है कुछ लोगों को इसकी निगेटिविटी भी नहीं लगी, राइट, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि हर जगह पक्ष एक ही पक्ष को लिया जाए, पक्ष में ही आए उत्तर, विपक्ष में भी आते हैं बहुत सारे, वो आपको क्वेश्चन चैट बॉक्स वगैरह में मिलेंगे भी, आप देखिएगा। लेकिन मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ में, जो मन की बात के थ्रू मैंने रखा है यहाँ पर, जिस टॉपिक पे हमने चर्चा किया, और बहुत ही मुझे हर्ष हो रहा है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही आगे भी अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन करे, ताकि हर एक सवाल का जवाब यहाँ से मिले।
जरूर सर। इवन दोस्तों मैं भी यही आपको बोलना चाहूंगा कि आप भी बन सकते हैं मेरी इस मुहिम का हिस्सा। बस आपको करना होगा एक काम, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने डिटेल्स फिल कीजिए और बनिए मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू का हिस्सा। इंतजार रहेगा आपके अगले सवाल का मेरी अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।